हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं एक टोटका, क्यों नहीं टिकता आपके हाथों में पैसा। इसकी वजह क्या है तो मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एक टोटका बतलाता हूँ। जब आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो धन को लेकर के, अथवा आपका धन कहीं खो गया हो, कहीं लूट गया हो, या किसी के द्वारा लूट लिया गया हो, या फिर आप बर्बादी के गगार पे हो, ऐसी स्थितियां अक्सर जिंदगी में बनती रहती है, तो इस प्रकार का मैं आज आपको एक उपाय बतलाने वाला हूँ जो आपके जीवन में शायद आपको उन मुसीबतों से बचा दे और बहुत अच्छे तरीके से बचा दे। ठीक है, तो क्योंकि आप एक बात का सदैव ध्यान रखें, टोटका टोटका होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है और ना ही उस पर कोई उंगली उठा सकता है। अगर आप उंगली उठाते हैं तो आप अपने किस्मत को दुत्कारते हैं। ठीक है, आप कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता नहीं करना है, लेकिन इतना आपको याद रखना जरूर है कि ये टोटके कभी जब फायदे किसी को कर जाते हैं तो उसकी जिंदगी की दशा एवं दिशा बदल देते हैं। ठीक है, तो आप इन टोटकों को आजमाएं बिना किसी सवाल के, बिना किसी सवाल जवाब के। जरूर ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में इसका बहुत भरपूर लाभ आपको मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे आप फ्री में सलाह लें, तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आएं, वीडियो किसी भी YouTube के चैनल पे आएं, किसी भी वीडियो को प्ले करें और उसके कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल, अपना प्रश्न लिख करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आज के बाद हर रोज आपको एक कोई ना कोई इस प्रकार का टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स को पाने के लिए आप हमारे किसी वीडियो को तो वायरल करवा दो यार, है ना। तो चलिए, आज मैं बिना किसी टाइम को गंवाए आप लोगों को बिल्कुल 2 से 2.5 मिनट के वीडियो में ऐसा टोटका बतलाऊंगा जो शायद आपकी किस्मत को ही बदल करके रख दे। आज का उपाय है चावल को लेकर के। ये चावल जो है वो दरिद्रता की संविधा है। ऋग्वेद में 72 प्रकार की औषधियों का वर्णन है जिसमें दरिद्रता नाश के लिए चावल का हवन किया जाता है। ठीक है, तो आपको करना ये है कि आप किसी भी सोमवार को पूरी श्रद्धा से किसी भी शिव मंदिर में जाएं। ठीक है, और वहाँ के शिवलिंग जहाँ पर कोई आता जाता ज़्यादा न हो या जिस समय में न आता जाता हो, ऐसे समय में जाएं और उस शिवलिंग के अनुसार चावल लेकर के जाएं। अगर बड़ा हो तो ज़्यादा मात्रा में, और मिनिमम अधिकांशतः शिवलिंग 1.25 किलो चावल से भर जाते हैं, तो आप 1.25 किलो चावल लेकर के जाएं और पूरे शिवलिंग को चावल से ढक दें और पूरी समर्पण भावना के साथ ये प्रार्थना करें कि हे देव, आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, मैं पूरी तरह आश्वस्त विश्वस्त हूँ कि आपके पास आज आने से मेरी दरिद्रता जरूर चली जाएगी, मैं अपनी दरिद्रता को आपको समर्पण करता हूँ, ये मेरा चावल आप ग्रहण करें और मुझे इस अचानक उपस्थित संकट से मुक्त करें। इस भावना के साथ पूरी तरह भावयुक्त होकर के इस चावल को शिव जी को समर्पित कर दें। ठीक है, और तुरंत तत्काल आपकी उपस्थित बाधा तुरंत निवृत्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जैसे ही दूसरा वीडियो इस तरह का कोई भी बना करके डालूंगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। और वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ब्लॉग पे जाएं, वहाँ पे भी आप इसी तरह से कर सकते हैं जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक के चैनल को लाइक करें, इस पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसी प्रकार के डाले रहते हैं और हर दिन के अनुसार हम टिप्स एंड ट्रिक्स लिखते हैं, पंचांग लिखते हैं जिसमें इस तरह का बहुत सारा चीज़ रहता है। आप उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।